मॉर्निंग एवरीवन। सभी डियर स्टूडेंट्स का एक बार फिर से रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है अपन जो है पोमोलॉजी पढ़ रहे हैं और पोमोलॉजी में मैंगो जो फ्रूट है अपना लगभग ख़त्म हो गया है। आज अपन नए फ्रूट से स्टार्टिंग करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हो, आज अपन बनाना पढ़ेंगे। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ जितने भी क्वेश्चन आज दिन तक पूछे गए हैं वो भी मैं कवर करूँ, और आने वाले टाइम पर किस तरह के नए क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताता रहूँ। तो उसी कड़ी में जो है आप अपन बनाना को उसी पर्पज़ से पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, यस। और जितने भी ऐप पे स्टूडेंट देख रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यूट्यूब के ऊपर देखें, थोड़ा डेटा कम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसे अपन कहते हैं बनाना। बनाना के बारे में बात करें उससे पहले रॉयल इंस्टीट्यूट का जो ऑफर चल रहा है मात्र ₹1 में 2500 से भी ज़्यादा वीडियो क्लासेज आपको मिलेगी। ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक अवसर मिल रहा है स्टूडेंट को, जो रॉयल इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर जाकर के आपको विजिट करना है और इस कोर्स को परचेज करके जो है आपको देखना है कि कौन कौन से टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं। हर चीज़ का मूल्यांकन करने के बाद में जो है आपको कोर्स को रिकमेंड करना है अपने फ्रेंड्स को, और ख़ुद को भी अगर ठीक लगे तो परचेज करना है ना। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि इससे बढ़िया जो है एग्रीकल्चर के रिलेशन में या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको जो है कहीं भी इतना बढ़िया तरीके से जो है पढ़ाया हुआ कोर्स आपको नहीं मिलेगा। केवल ₹1 में, जो कि 7 दिन के लिए वैलिड है, 28 मई से लेकर के 3 जून तक, ठीक है। तो अपने दोस्तों को ये निश्चित रूप से आपको बताना है। इसके अलावा जो क्रेज कोर्स रॉयल इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है जेट 2021 के लिए, जो कि आपका मात्र ₹3000 में पूरा कोर्स मिल रहा है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, या फिर दोनों जो है मीडियम में कोर्स आपको ₹3000 में मिल रहा है। बेस्ट कोर्स है, एक बार आप विजिट करके देखना जो मैंने ₹1 वाला कोर्स बताया है, फिर जो है आपको ये कोर्स परचेज करना है। सभी डियर स्टूडेंट को गुड इवनिंग, सभी का मैं वेलकम करता हूँ। रॉयल इंस्टीट्यूट हमेशा जो है आपका वेलकम करता है, बिल्कुल सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं बनाना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सभी जो हैं इस क्लास को देख सकते हैं, सभी डियर स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ICER की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप JET की कर रहे हैं, PPG की कर रहे हैं, या फिर कोई सा भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बाहर जाने का कोई चांसेस नहीं। मैंने लगभग पुराने सभी पेपर देखे हुए हैं, और जितना मैं लेवल लेके चल रहा हूँ वहाँ से जो है कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने के कोई चांसेस नहीं, ठीक है। तो आज अपन जो है क्रॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे अपन कहते हैं बनाना, ठीक है। बनाना के बारे में काफ़ी सारी बातें जो है आप पहले से जानते हैं, है ना। बनाना इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाने वाला फ्रूट है, यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी फ्रूट होते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बनाना अकेला करता है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बनाना को फ्रूट के अलावा आजकल जो है इसके चिप्स बनाने के लिए जो भी इसका यूज़ किया जा सके, मार्केट के अंदर बनाना चिप्स बड़े फेमस है। पोटैटो चिप्स के साथ में बनाना चिप्स का जो है धीरे धीरे मार्केट के अंदर क्रेज़ जो है बढ़ता जा रहा है ना। इसके अलावा वेजिटेबल के पर्पज़ से भी बनाना को खूब यूज़ किया जाता है, और बेबी फूड वगैरह बनाने के लिए भी जो है बनाना यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बनाना चूंकि कार्बोहाइड्रेट इसमें खूब होता है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो मिठाइयाँ टाइप में बनाई जाती है, उनमें जो है बनाना अपन यूज़ करते हैं, या फिर इसका जो पाउडर बनाया जाता है वो भी बच्चों को जो है एनर्जी के लिए आवश्यक होता है, वो अर्ली स्टेज में बच्चों के लिए बेबी फूड जिनको अपन बोलते हैं उनमें इसका यूज़ कर, ठीक है। तो बनाना को अपन फटाफट स्टार्ट करें, उसमें आप देखेंगे बनाना का जो बोटनिकल नेम होता है उसे अपन कहते हैं म्यूसा पेराडिसिका। ये इसका बोटनिकल नेम है, और बोटनिकल नेम रखो, याद रखो। इसके साथ में जो है आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि बनाने का जो ओरिजिन हुआ है वो कौन कौन से फ्रूट से हुआ है ना, बनाने की जो एंसेस्टर स्पीसीज कौन सी है, इसके जो प्रोजेनिटर कौन कौन से है ना। तो बनाने का जो ओरिजिन हुआ है ये दो वेराइटी के बीच के क्रॉस का परिणाम, क्रॉस कौन कौन सी वेराइटी के बीच में, म्यूसा एक्यूमिनाटा, और इसका जो क्रॉस है आपका म्यूसा बल्बेसियाना। म्यूसा एक्यूमिनाटा इनटू, या फिर इसका जो क्रॉस करवाया गया है वो है म्यूसा बल्बेसियाना। तो ये दोनों की दोनों जो स्पीसीज है, ये दोनों डिप्लोइड स्पीसीज है, इन दोनों के क्रॉस से इसकी जीनोमिक स्ट्रक्चर होती है ए डिप्लोइड है, और ये आपका है BB जीनोमिक जो है इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये डिप्लोइड है, इन दोनों के क्रॉस से जो है अपने
इन दोनों के क्रॉस के बाद में जो है ये म्यूसा पेराडिसी का बना है जो कि ट्रिप्लोइड होता है, अभी अपन इसकी आगे बात करेंगे। इसके अलावा एक स्पीसीज और है जिसे अपन कहते हैं म्यूसा बेस जू, है ना। म्यूसा बेस जू बनाना की एक स्पीसीज है जिसका यूज जो है जापान के अंदर इसका यूज जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसे अपन कह सकते हैं फाइबर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि फाइबर यील्डिंग स्पीसीज और बनाना कौन सी है, तो म्यूसा बेस्ड जो स्पीसीज है, ठीक बात। तो ये जो है कॉमन मैंने आपको बताया है। हाँ, वीपर सारी चीजें जो है अपन आगे देख लेंगे, बनाना से रिलेटेड अपन लगभग लगभग पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद में कोई डाउट हो तो आप बताना, सारे डाउट जो है आपके डिमोलिश हो जाएंगे आज, ठीक है। इसकी फैमिली की बात करें तो बनाना की जो फैमिली होती है वो आपकी म्यूजेसी होती है, और क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 33 होते हैं जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है म्यूसा पेराडिसी का उसकी, यानी कि यह ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। और जितने भी ट्रिप्लॉइड प्लांट्स होते हैं या फिर ट्रिप्लॉइड स्पीसीज होती है वो सामान्यतः सीडलेसनेस होते हैं, और बनाना जो आपका सीडलेस होता है इसका कारण क्या है वो कई बार पूछ सकते हैं आपसे। तो बनाना के पीछे जो सीडलेसनेस का जो कारण है वो है आपका वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। इसमें एक पार्थेनोकार्पी पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बता रखी है, कब, जब अपन ने मैंगो के अंदर सिंधु वेराइटी पढ़ी थी, तो सिंधु वेराइटी मैंने कहा था सीडलेस होती है, और सिंधु वेराइटी के सीडलेसनेस के पीछे मैंने कारण बताया था उसके अंदर स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। मैंने कहा था वो वाली पार्थेनोकार्पी ग्रेप के अंदर भी पाई जाती है। अब जो मैं वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी की बात कर रहा हूँ ये बनाना के अंदर पाई जाती है, तो बनाना के अंदर सीडलेसनेस का कारण अगर पार्थेनोकार्पी, अगर आपको पार्थेनोकार्पी पर्टिकुलर पूछे तो आपको वेजिटेटिव टाइप पार्थेनोकार्पी का, और वेजिटेटिव टाइप पार्थेनोकार्पी और किस किस में पाई जाती है, तो आपने अंजीर का नाम सुना होगा जिसे फिग कहते हैं, या फिर जो पाइनएप्पल होता है तो पाइनएप्पल के अंदर भी जो है आपकी वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, ये इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी और होती है वो लीची के अंदर, ब्रेड फ्रूट के अंदर, या फिर जो ग्रेप की एक वेराइटी है जिसे ब्लैक कोरियंथ कहते हैं उसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ तक चीज़ें आपके क्लियर होती जा रही होगी। अब इसके अंदर जो है नेक्स्ट अपन देखें कि बनाना का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, तो इसका ओरिजिन जो हुआ है ये आपका साउथ ईस्ट एशिया, या फिर यूं कहें इंडो मलाया रीजन, या फिर यूं कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं वहाँ पे जो है इसका ओरिजिन हुआ है, ध्यान रख लेना इंडो मलाया रीजन। सीधा क्वेश्चन आएगा है ना कि ओरिजिन कहाँ पे हुआ है इसका, तो आप निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। तो यहाँ तक अपन ने क्या देखा है, सिंपल सा कि म्यूसा पेराडिसी का बनाना का नाम है और इसका ओरिजिन किन स्पीसीज के क्रॉस से हुआ है, तो म्यूसा एक्यूमिनाटा और म्यूसा बल्बेसियाना, ठीक है। एक और स्पीसीज मैंने आपको एक्स्ट्रा करके बताई है जिसे कहते हैं म्यूसा बेस जू जो है टेक्सटाइल या फिर फाइबर प्रोडक्शन के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है जापान के अंदर। तो ये जेआरएफ वगैरह का जो पेपर होता है कई बार उसमें पूछा जाता है, जो आरपीएससी का हॉर्टिकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का जो पेपर होता है उसमें भी कई बार ये प्रश्न जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें तो क्रोमोजोम नंबर 33 और सीडलेसनेस का क्या कारण है पार्थेनोकार्पी अगर पूछेंगे आपसे, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो पार्थेनोकार्पी का कारण अगर पूछे सीडलेसनेस में, तो आपको वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी इसके अंदर करनी चाहिए, ठीक है। और इंडोमलाया इसका ओरिजिन है। अब इसमें आगे अगर देखें तो आगे अगर अपन इसके फ्रूट टाइप की बात करें, फ्रूट टाइप क्या होता है, तो बनाना का फ्रूट टाइप होता है बेरी, ठीक है। और इसके एडिबल पार्ट की अगर बात करें, यानी कि कौन सा इसका पार्ट खाया जाता है, एडिबल पार्ट कौन सा है, तो वो आप जानते हो मीजोकार्प प्लस आपका जो है एंडोकार्प खाया जाता है, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बनाना का एडिबल पार्ट क्या है,
तो आपको मीजोकार्प प्लस इंडोकार्प करना है, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ आपके क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अदर नेम कई बार पूछ लिए जाते हैं ना, अदर नेम, तो अदर नेम कौन कौन से हैं बनाना के, सबसे पहला जो है आपको ध्यान रखना है, हाँ आईसीआर यूजी के लिए बच्चे जो बोल रहे हैं वो मैंने जो इसमें जो नंबर दे रखे हैं उसका उसके ऊपर आपको कॉल करना है। मैं आपको फिर से नंबर लिख रहा हूँ 9166418244, ये मैं कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट के। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करके पूछना है अगर किसी को कोर्स परचेज करना है, स्टूडेंट पूछ रहे हैं आईसीआर का कोर्स परचेज अगर करना है मोनू कुमार, तो डेफिनेटली जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको जो है कॉल करना है, यहाँ से जो है सारी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अदर नेम की अगर बात करें तो इसको कहते हैं एडम्स फिग, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एडम्स फिग इसका मुख्य रूप से। इसके अलावा इसको अपन ट्री ऑफ पैराडाइज, या फिर इसको एप्पल ऑफ पैराडाइज, या फिर इसी को अपन फ्रूट ऑफ पैराडाइज भी कह देते हैं, फ्रूट ऑफ पैराडाइज, ठीक है। कई बार ये एक ही चीज़ है, मतलब है ना, इस क्वेश्चन को कई बार यूं भी पूछ लेते ट्री ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज, तो कंफ्यूज नहीं होना, सारी चीज़ें एक ही है। इसके अलावा इसे अपन कल्पतरु भी कहते हैं, कल्पतरु, ठीक है, तो कल्पतरु भी ध्यान रखना। इसके अलावा कई बार इसको हिस्टोरिकल फ्रूट भी कह देते हैं, हिस्टोरिकल फ्रूट, ठीक है, तो हिस्टोरिकल फ्रूट भी अपन बनाना को ही कहेंगे। तो ये बेसिक सी है इन्फॉर्मेशन, ये आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फटाफट से आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके अब अपन इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, है ना, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। बनाना का इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसे अपन स्पेडिक्स कहते हैं, बनाना के इन्फ्लोरेसेंस को स्पेडिक्स कहा जाता है, और स्पेडिक्स आप सभी का देखा हुआ है, जो इसका पुष्प क्रम होता है जहाँ पे फ्रूटिंग होती है उसी को अपन जो है इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस का अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊँ आपको, तो ये मान लो आपके बनाना का इन्फ्लोरेसेंस है। इस इन्फ्लोरेसेंस, ये जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ये इस तरह की स्ट्रक्चर से ढका रहता है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर से ढका रहता है जिसे जो है अपन स्पैथ कहते हैं, जिसे अपन कहते हैं स्पैथ, ठीक है। अब ये जो इन्फ्लोरेसेंस आप देख रहे हो, तो बनाना के इन्फ्लोरेसेंस में टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आते हैं। कौन कौन से फ्लावर्स आते हैं? फर्स्ट तो इसके अंदर जो फ्लावर आएंगे वो आपके आएंगे फीमेल, फीमेल फ्लावर्स। तो फर्स्ट कौन से फीमेल आएंगे इसमें, फ्लावर्स कौन से आएंगे, तो फीमेल फ्लावर्स आएंगे। और सेकेंड इसके अंदर जो फ्लावर्स आएंगे वो आपके आएंगे बाईसेक्सुअल फ्लावर्स, उल्टा बनाए हैं लेकिन इसको देख लेना, बाईसेक्सुअल, जिसे अपन हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट, जिन्हें अपन बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। तो बनाना का जो स्पेडिक्स किसको बोल रहे हैं, तो ये जो स्पेडिक्स होता है इसके अंदर जो गुच्छों के रूप में इस तरह से जो फ्रूटिंग होती है, इस तरह से बंच के रूप में जो है फ्रूटिंग होती है, और इन बंच के अंदर, इन बंच के अंदर कौन कौन से फ्लावर्स हैं, जनरली मेल फ्लावर्स भी आते हैं, कई बार यहाँ आगे जो है मेल फ्लावर भी आते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली जो फ्लावर्स होते हैं वो आपके फीमेल फ्लावर होते हैं और बाईसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। और जिस किसी एक सिंगल प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर भी हो और बाईसेक्सुअल फ्लावर भी हो, उसे अपन गाइनोमोनोसियस टाइप ऑफ प्लांट कहते हैं, या फिर फ्लावरिंग जो पैटर्न होता है उसे अपन कहते हैं गाइनोमोनोसियस, ठीक है। ऐसे प्लांट को अपन कहते हैं गाइनोमोनोसियस प्लांट। मैंने आपको मैंगो की जब बात की थी, तो मैंगो के अंदर मैं उस चीज़ को वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैंगो का जो इन्फ्लोरेसेंस था, मैंगो का जो पेनिकल था, मैंने कहा था पेनिकल इस तरह से होता है। तो मैंगो के पेनिकल के अंदर आप लोगों को अगर चीज़ें याद है, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि मैंगो के अंदर सिंगल प्लांट के ऊपर या सिंगल इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो फ्लावर्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, एक तो आपके मेल फ्लावर आते हैं और एक आपके बाईसेक्सुअल फ्लावर आते हैं, एक आपके आते हैं बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट। तो ऐसे को, ऐसे ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को अपन बोलते हैं एंड्रोमोनोसियस,
एंड्रोमोनोसियस। ठीक है, तो यहां पे अपन जो चीज सीख रहे हैं आज, जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अपन सीख रहे हैं, जनरली अपने को कॉलेज में भी ये चीज नहीं सिखाई जाएगी, ध्यान रख लेना, ये खुद ब खुद ही चीजें सीखनी पड़ेगी। तो यहां पे चीज जो है, ये आपका आरपीएससी का जो पेपर होता है, आरपीएससी का जो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंगो के अंदर किस टाइप के फ्लावर्स आते हैं, तो उसमें मेल प्लस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर आते हैं। ठीक है, तो उसे अपन बोलते हैं एंड्रोमोनोसियस। हमेशा मोनोसियस का मतलब होता है सिंगल प्लांट। ठीक है, तो सिंगल प्लांट पे आपको ध्यान रखना, ऐसा कभी भी वर्ड आ जाए तो मेल प्लस बाइसेक्सुअल, और बनाना की जब अपन कभी भी बात करेंगे तो उसमें गाइनोमोनोसियस का मतलब फीमेल प्लस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर इसके अंदर आते हैं। तो ये चीज़ जो है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आई होगी, और ये चीज़ अगर और गहराई से अगर आपको समझना है तो मेरा जो ओल्ड वीडियो है जिसमें मैंने टाइप ऑफ फ्लावर्स पढ़ा रखा है, उसमें मैंने इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों का जो है डिस्कशन किया है। मैंने एंड्रोमोनोसियस, गाइनोमोनोसियस, या फिर गाइनोडायोसियस, एंड्रोडायोसियस इस टाइप के, या फिर गाइनोसियस है ना, ट्राइमोनोसियस, इस तरह के सारे जो है फ्लावर्स के टाइप होते हैं वो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेडिक्स और कौन कौन से प्लांट के अंदर जो है इन्फ्लोरसेंस टाइप स्पेडिक्स होता है। तो स्पेडिक्स के लिए आपको याद रखना है, एक ट्रिक बता रहा हूं जिसे अपन कहते हैं ए बी सी डी। एक ट्रिक है डियर स्टूडेंट, ए बी सी डी। ए का मतलब होता है अरेका नट, अरेका नट जिसे अरेका कटेचू, हिंदी के अंदर इसको सुपारी कहते हैं। बी का मतलब आपने देख लिया बनाना, और सी का मतलब है कोकोनट, और डी का मतलब होता है डेट पाम। तो इस प्रकार से ये चारों जो प्लांट देख रहे हो, ये ट्रिक आपने क्या याद कर ली, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी से अपने को याद हो गया कि ए बी सी डी वाले जितने भी ये जो क्रॉप हैं उन सब के अंदर इन्फ्लोरसेंस टाइप आपका स्पेडिक्स होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि इन्फ्लोरसेंस टाइप ऑफ यू नो इन्फ्लोरसेंस टाइप ऑफ यू नो फ्लावर्स आर, या फिर यूँ पूछ सकते हैं आपको कि टाइप ऑफ इन्फ्लोरसेंस इन मैंगो इन बनाना, तो उस केस में आपको जो है स्पेडिक्स करना है। और मैंगो का अगर आपको पूछे तो उसमें मैंने आपको बताया था पेनिकल करना है, पेनिकल मैंगो के अंदर करना है, और इसके अंदर आपको स्पेडिक्स करना है। इसके ऊपर मैं और भी कई बार, मैंने जो पुरानी मेरे ओल्ड क्लास है जिनमें मैं टाइप ऑफ इन्फ्लोरसेंस का ही एक अलग से चैप्टर होता है, वो भी मैं ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी क्लियर करता हूँ। तो ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के एब्सोल्युटली समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके अपन जो बात कर रहे हैं वो है जनरल इंफॉर्मेशन की। जनरल इंफॉर्मेशन, और जनरल इंफॉर्मेशन में सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल जो आपको ध्यान रखना है कि ये सोर्स किस चीज का है ना। तो बनाना सबसे बेस्ट सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट अराउंड 27% कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो उस केस में जो है आपको बनाना करना चाहिए। और इसके अलावा इसके अंदर और चीज़ें जो ध्यान रखनी है कि ये मोनोकोट होता है, और मोनोकोट के अलावा हर्बेसियस प्लांट है, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे अपन कहते हैं, ये आपका मोनोकार्पिक फ्रूट है। मोनोकार्पिक फ्रूट अपन ऐसे फ्रूट्स को कहते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल में केवल एक ही बार जिनके अंदर फ्रूटिंग होती है ना, या यूं लिखे अपन कि ओनली वन टाइम फ्रूटिंग इन इट्स लाइफ साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ, केवल सिंगल टाइम इनके अंदर फ्रूटिंग होती है, फिर बाद में जो है ये खत्म हो जाते हैं, फिर अपने को नई क्रॉप अपने को उगानी होती है। तो बनाना आपका मोनोकार्पिक फ्रूट है। और कौन कौन से मोनोकार्पिक फ्रूट है, जैसे आपका पपाया है, तो पपाया भी जो है आपका मोनोकार्पिक फ्रूट है। इसके अलावा पाइनएप्पल भी आपका जो है मोनोकार्पिक फ्रूट है। तो इस तरह से मोनोकार्पिक फ्रूट है ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, जो अपनी लाइफ साइकिल में केवल सिंगल टाइम जिनके अंदर फ्रूटिंग होती है उनको अपन मोनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। बाकी ये पेरेनियल है, ध्यान रखना, पेरेनियल प्लांट।
पेरेनियल का मतलब होता है बहुवर्षीय, यानी कि अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक से ज़्यादा जो है सीजन इसके अंदर लगते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके इसी में एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो महाराष्ट्र का जो जलगांव है, जलगांव ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है जिसे अपन कहते हैं जलगांव, इसको अपन बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, इसे अपन बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, जो महाराष्ट्र का जो जलगांव है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाना का प्रोडक्शन होता है आजकल, और महाराष्ट्र जो है टॉप नंबर वन या नंबर सेकंड के ऊपर प्रोडक्शन के मामले में, नए जब डेटा आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तो ये ध्यान रखना, जलगांव जो महाराष्ट्र का है उसे बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस स्क्रीन पर जो आप चीज़ें देख रहे हो, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे बताता हूँ। सोर्स का ध्यान रख लेना, कार्बोहाइड्रेट मोनोकोट प्लांट है, हर्बेसियस पेरेनियल प्लांट है, मोनोकार्पिक फ्रूट है, और जलगांव जो को जो है अपन बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इसी में पॉइंट ध्यान रखें, तो बनाना का जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया, जेनेटिक क्लासिफिकेशन बनाना का जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया है, या फिर कई बार ये यूं भी आ सकता है नोमेनक्लेचर सिस्टम, नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ बनाना, या फिर कई बार इसको यूं भी कहते हैं कि स्कोरिंग टेक्निक, बनाना के अंदर स्कोरिंग टेक्निक या फिर जेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो साइंटिस्ट के नाम है सिमोंड एंड शेफर्ड नाम के दो साइंटिस्ट हैं, है ना, ये दो नाम ध्यान रखना, इन्होंने जो है जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ बनाना दिया, या फिर जो है इन्हें नोमेनक्लेचर सिस्टम, या कई बार ये पूछते हैं बनाना स्कोरिंग टेक्निक किसने दी, स्कोरिंग टेक्निक, ये शायद आपके अभी ICAR में हो सकता है नहीं पूछे, लेकिन आने वाले टाइम पे जो है ये चीज़ कंफर्म पूछी जाएंगी, क्योंकि कई सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बनाना का जो है जेनेटिक क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर सिस्टम, या फिर स्कोरिंग टेक्निक जो है ये किसने दिया है, तो ये ध्यान रखना सिमोंड एंड शेफर्ड। अब इसमें अगर बनाना के अपन स्टेम की बात करें, नंबर सिक्स पे बनाना का जो स्टेम है, ये चीज़ भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझनी है। ये बनाना का प्लांट है इस प्रकार से, ये बनाना का प्लांट है इस प्रकार से, है ना। अब इस बनाना में दो चीज़ें हैं, इसमें दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताएं कैसे हैं, मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली फैंटेस्टिक हूँ, आप बताएं क्या चल रहा है। सभी डियर स्टूडेंट पूछ रहे कैसे हो सर, तो मैं तो बढ़िया ही हूँ, देखो भला चंगा, है ना। हाँ, तो इसमें दो तरह के स्टेम होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट जो एरियल स्टेम होता है, फर्स्ट जो आपका एरियल स्टेम होता है, एक्चुअली ये जो एरियम स्टेम जो होता है ये एक्चुअल स्टेम नहीं होता, एक्चुअली ये क्या फॉल्स स्टेम होता है ना, इसे अपन कहते हैं फॉल्स स्टेम, फॉल्स स्टेम, है ना, इसको अपन टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं स्यूडो स्टेम, स्यूडो स्टेम। ठीक है, तो सभी डियर स्टूडेंट इस चीज का ध्यान रखेंगे कि बनाना का जो एरियल स्टेम है एक्चुअली क्या ये फॉल्स स्टेम है, ये ट्रू स्टेम नहीं है, क्योंकि स्टेम की अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं तो स्टेम के ऊपर क्या होना चाहिए, स्टेम के ऊपर नोड और इंटरनोड होना चाहिए, तभी जो है अपन उसको एक्चुअल स्टेम कहेंगे। तो इस प्लांट के ऊपर जाइए, एरियल जो स्टेम होता है इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आपका जो है किसी भी प्रकार की कोई चीज़ इसके ऊपर नोड या इंटरनोड नहीं होती, इसलिए इसको अपन फॉल्स स्टेम कहते हैं, या एरियल स्टेम जो होता है उसको स्यूडो स्टेम कहते हैं, एग्जाम के अंदर यही पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, लीव्स, ठीक है। तो कई बार पूछे कि भाई मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स है ये क्या होता है, तो ये लीव्स का मॉडिफिकेशन। ये तो एरियल स्टेम की बात हुई, अब जो आपका अंडरग्राउंड स्टेम है, जो आपका जमीन के अंदर है, तो अंडरग्राउंड जो स्टेम है उस अंडरग्राउंड स्टेम को अपन राइजोम कहते हैं,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ बनाना इज नोन एज राइजोम, और यही आपका ट्रू स्टेम होता है, ट्रू स्टेम होता है। ठीक है, ट्रू स्टेम का मतलब क्या है, इसी से जो है अपन नए जो है न्यू प्लांट अपन ग्रो कर सकते हैं। तो ध्यान रख लेना कि इसमें दो तरह के स्टेम है, जो प्लांट के ऊपर वाला जो स्टेम देख रहे हो जिसे एरियल स्टेम या स्यूडो स्टेम कहा जाता है, जो फॉल्स स्टेम है, या फिर जो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स का होता है। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसे राइजोम कहते हैं, जो कि एक्चुअल ट्रू स्टेम है। ठीक है, इसके आगे अगर अपन बढ़ें और अब अपन जो है क्लाइमेट की बात करें कि किस तरह का जो है इसके अंदर क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्लाइमेट के मामले में जैसा कि आप लोग जानते हो मैंगो, पपाया, बनाना, ये सारे के सारे जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर होने वाले फ्रूट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जनरली साउथ इंडिया के अंदर पाया जाता है ना, साउथ इंडिया का मतलब मैंने आपको फर्स्ट मैंगो वाली क्लास के अंदर मैंने चीज़ बताई थी। हाँ, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी जो कर्क रेखा है उससे नीचे नीचे वाला जो पार्ट है इंडिया के अंदर, और कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजर रही है, राजस्थान के दो जिले उसके अंदर शामिल है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा कर्क रेखा के आसपास वाला जो रीजन है जिसके अंदर ये उदयपुर से नीचे नीचे वाला पूरा आ गया, तो यहाँ पर भी जो है आप बनाना का कल्टिवेशन किया जा सकता है। कई बार आपको कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में बनाना कल्टिवेशन की पॉसिबिलिटी कहाँ पर है, तो मुख्य रूप से आपकी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और आपका थोड़ा सा जो है उधर झालावाड़ या फिर कोटा वाला जो रीजन है वहाँ पे जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और वहाँ पे इस तरह के जो है कल्टीवेशन किए जा सकते हैं। यहाँ और ध्यान रखना आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो एग्जाम में पूछा जाता है 22-30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी में अगर आपको एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पूछ लें तो 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है सबसे ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है या फिर ऑप्टिमम ग्रोथ होती है। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं, सुबह मेरी 7 बजे से क्लास है, सुबह मेरी 7 बजे से 8:30 तक 1.5 घंटे की क्लास है, तो हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो है अपन सुबह मिलेंगे गुड मॉर्निंग में 7 to 8:30 AM। ठीक है, अब इसके अलावा इसके सॉइल की अगर बात करें तो किस तरह की सॉइल की रिक्वायरमेंट है, तो सॉइल बिल्कुल नॉर्मल चाहिए, ऐसे सॉइल जिसका पीएच 6.5 to 7.5 हो। ठीक है, मिट्टी ज़्यादा मायने नहीं रखनी, क्ले सॉइल से लेकर के आपकी जो है लाइट सैंडी सॉइल तक जो है इसका कल्टीवेशन हो सकता है। सॉइल से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सॉइल जो है आपकी एसिडिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एसिडिक सॉइल के अंदर, इन एसिडिक सॉइल एक बीमारी हो जाती है, एक डिजीज हो जाता है जिसको कहते हैं अपन पनामा विल्ट। तो बनाना का एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है पनामा विल्ट, ये आपका कहाँ होता है, एसिडिक सॉइल। अगर आपकी बिल्कुल सभी के लिए, चाहे आप यूपी के कैंडिडेट हो चाहे इंडिया के किसी भी पर्टिकुलर इलाके से आप आते हो, है ना, पूरे इंडिया के अंदर आप कहीं से भी आते हो, बनाना इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाने वाला फ्रूट है, तो सभी के लिए बेनिफिशियल है। आप चाहे कोई सा भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे करके देख लेना, बनाना के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, तो एसिडिक अगर आपकी सॉइल है तो वहाँ पे जो है पनामा विल्ट नामक बीमारी हो जाएगी। तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ ले आपको कि पनामा विल्ट किस टाइप के सॉइल के अंदर ज़्यादा होता है, तो एसिडिक सॉइल के अंदर। इसके अलावा इसके लिए पोटेशियम जो न्यूट्रेंट होता है वो पोटेशियम इसके लिए सबसे एसेंशियल होता है। पोटेशियम इज इसेंशियल फॉर फ्रूट फॉर्मेशन। क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि फ्रूट फॉर्मेशन के लिए बनाना के अंदर सबसे इसेंशियल न्यूट्रेंट कौन सा है, तो उसमें आपको करना पड़ेगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रूट फॉर्मेशन के लिए। इसी के साथ में अगर आपको इंस्टीट्यूट पूछें कि बनाना का जो इंडिया लेवल पे सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बनाना के ऊपर ही जो है काम होता है, वो आप देखेंगे नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बनाना, जिसे अपन शॉर्टकट में कहते हैं NRC बनाना, ये आपका चिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु। ठीक है, तो बनाना, NRC बनाना अगर आपको कहीं पूछ लें
सारी चीज़ें, रवि सिंह, हम सारी चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ें पढ़ाते हैं, सब चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम नहीं छूटता है, लगभग सारे के सारे कंपटीशन की यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। तो एनआरसी बनाना अगर पूछेंगे तो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर जो है ये स्थित है, ये ध्यान रख लेना। अब इसमें आगे अगर बढ़ करके बात करें तो इसमें एरिया इन प्रोडक्शन की बात करें या फिर केवल प्रोडक्शन की बात करो, प्रोडक्शन तो वर्ल्ड के अंदर सबसे या फिर लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड या फिर यूँ रख लो, इंडिया हैज रैंक फर्स्ट इन इन द वर्ल्ड। इंडिया की रैंक फर्स्ट है प्रोडक्शन या फिर एरिया दोनों के मामले में वर्ल्ड के अंदर, सबसे ज़्यादा मैंगो ये बनाना का प्रोडक्शन जो है अपने यहीं पे होता है, ठीक है। इसमें अगर बात करें अपन तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग फ्रूट इन इंडिया, प्रोड्यूसिंग फ्रूट इन इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ समझो, इंडिया के अंदर जितने भी फ्रूट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जो प्रोडक्शन होता है वो बनाना का होता है। ये मैंने मैंगो के अंदर भी ये चीज़ क्लियर की थी, वो मैं यहाँ पे वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर जितने भी फ्रूट हो रहे हैं आपके, उनके अपन एरिया की बात करें या फिर प्रोडक्शन की बात करें तो ऐसा देखोगे एरिया के मामले में जो टॉप फ्रूट है जिनका हाईएस्ट एरिया है उसमें सबसे पहले है आपका मैंगो। इंडिया के अंदर जितने भी फ्रूट होते हैं फर्स्ट रैंक पे मैंगो का सबसे ज़्यादा एरिया है, इसके सेकंड नंबर पे है सिट्रस का, और थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो वो है आपका बनाना। बनाना आपका जो है एरिया के मामले में थर्ड नंबर पे है, प्रोडक्शन के मामले में बनाना जो है आपका फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। और सेकेंड जो है आपका मैंगो है, और थर्ड नंबर पर जो है आपका इसके अंदर सिट्रस, ठीक है। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको, हिंदी मीडियम में क्लास मेरी चलती है सुबह 7 बजे से, कल गुड मॉर्निंग में 7 बजे से मेरी क्लास है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आप जो कृपा करके सुबह जुड़ें, ठीक है। क्लास का टाइम सुबह 7 से 8:30 के बीच में है, ठीक है। तो ये इंडिया के अंदर, अब यहाँ पे कई बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं कि बनाना का जब एरिया थर्ड नंबर पर है तो प्रोडक्शन के मामले में ये फर्स्ट कैसे हुआ। तो प्रोडक्शन के मामले में फर्स्ट ऐसे हुआ कि अपन बात करें जैसे मैंगो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है ना, तो मैंगो के एक्चुअली क्या है डिस्टेंस जो रखते हैं 10x10 meter की जो है डिस्टेंस रखते हैं प्लांट और अपने रो की। तो ऐसा करते हैं तो 1 hectare के अंदर कितने प्लांट लगते हैं, ओनली 100। और बनाना की अगर बात करें तो इसकी डिस्टेंस अपन 2x2 meter रखते हैं। अब 2x2 meter अगर बनाना की अपन डिस्टेंस रखेंगे तो प्लांट कितने लगेंगे, लगभग 2500 प्लांट पर हेक्टर लगेंगे। तो प्रोडक्शन में कितना फ़र्क आ गया, यहाँ पे बनाना के अंदर केवल 100 पौधे 1 hectare में लग रहे हैं मैंगो के अंदर, और बनाना के अंदर जो है आपके प्लांट लग रहे हैं 2500, है ना, 2500 प्लांट लग रहे हैं। इसलिए क्या है एरिया के मामले में तो आपका फर्स्ट नंबर पे मैंगो है और प्रोडक्शन के मामले में आपका बनाना है, ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर कर लें। नेक्स्ट अगर बात करें अब इसके प्रोपगेशन की, तो प्रोपगेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसका जो कॉमर्शियल प्रोपगेशन होता है, कॉमर्शियल प्रोपगेशन वो आपका स्वॉर्ड सकर से होता है, स्वॉर्ड सकर्स, स्वॉर्ड सकर्स का आइडियल वेट होना चाहिए, आइडियल वेट वो होना चाहिए 500 to 750 gram पर सकर्स, ठीक है। जो स्वॉर्ड सकर्स होता है उसके अगर अपन आइडियल वेट की बात करें तो 500 to 750 gram जो है उसका आइडियल वेट होना चाहिए। तो कॉमर्शियल मेथड प्रोपगेशन का स्वॉर्ड सकर्स है, ठीक है, कॉमर्शियल मेथड। अब स्वॉर्ड सकर्स क्या होता है, जैसे आपका ये कोई प्लांट है, ये आपका बनाना का प्लांट है, इस बनाना के प्लांट में दो तरह के सकर्स मोटे मोटे यहाँ से निकलते हैं। फर्स्ट जो ऐसे सकर्स हैं, फर्स्ट टाइप के जो सकर्स हैं उनकी ऐसे नेरो लीव्स हैं, मतलब बिल्कुल नेरो लीव्स है, तलवार की तरह, तलवार को अपन बोलते हैं स्वॉर्ड, है ना। तो पहला क्या है आपकी नेरो लीव्स,
तो नैरो लीव्स वाले जितने भी सकर्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं स्वॉर्ड सकर्स, इन्हें अपन कहते हैं स्वॉर्ड सकर्स। ठीक है, स्वॉर्ड सकर्स का मतलब क्या, तलवारी सकर्स, हिंदी के अंदर इनको बोलते हैं तलवारी सकर्स। और सेकंड जो इस तरफ जो सकर्स आते हैं आपके, और कुछ ऐसे सकर्स निकलेंगे जिनकी ब्रॉड लीव्स होती है ना, जिनकी होती है ब्रॉड लीव्स। तो ब्रॉड लीव्स वाले जितने भी सकर्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं वाटर सकर्स। ठीक है, बहुत तरह के सकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे प्लांट का जो बेस है, यहाँ से सकर्स जो निकलते हैं जिनको फ्लावर्स भी कहते हैं अपन कई बार। तो ऐसे सकर्स जिनकी नैरो लीव्स होती हैं उन्हें अपन शॉर्ट सकर्स कहते हैं, और ऐसे सकर्स जिनकी ब्रॉड लीव्स होती है, चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, उनको अपन जलीय सकर्स या फिर वाटर सकर्स कह देते हैं। तो यहाँ पर जो आपको प्रोपगेशन के लिए जो प्लांटिंग मटेरियल काम में लेना है वो आपको जो है शॉर्ट सकर्स लेना है। और ऐसा कई बार होता है इसके यहाँ पे छोटे छोटे से और सकर्स निकले रहते हैं ना, कई बार इस प्लांट के नीचे जो न्यू इमर्जिंग जो सकर्स होते हैं उनको अपन पीपर्स कहते हैं, उनको अपन कहते हैं पीपर्स। तो पूछ ले पीपर्स क्या होता है, तो जो न्यू इमर्जिंग सकर्स जो होते हैं, न्यू इमर्जिंग सकर्स, तो न्यू इमर्जिंग जो सकर्स हैं उनको अपन पीपर्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जाए तो इसका प्रोपगेशन होता है शॉर्ट सकर से। इसके अलावा सेकंड अगर आपको कई बार पूछ ले कि और किसके थ्रू होता है, तो और आपका जो है आजकल न्यू मेथड है आपका टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर से जो है आजकल इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, और टिश्यू कल्चर से जो वैरायटी डेवलप की गई है उसे हम बोलते हैं ग्रैंड नैने, ग्रैंड नैने। ठीक है, जिसे अपन शॉर्टकट में G9 कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछेंगे आपको कि टिश्यू कल्चर के थ्रू डेवलप की गई वैरायटी कौन सी है, हाँ तो वो है आपकी ग्रैंड नैने। ठीक बात, तो यहाँ पे मैंने सकर्स आपको दिखाने की कोशिश की है कि स्वॉर्ड सकर्स जो नैरो लीव्स के होते हैं वो होते हैं, और जो ब्रॉड लीव्स के होते हैं उनको वाटर सकर्स कहते हैं। बट अपने जो बेस्ट कॉमर्शियल जो काम में लेते हैं प्रोपगेशन के लिए प्लांटिंग मटेरियल, वो आपका शॉर्ट सकर्स लेते हैं, और उसका आइडियल वेट कई बार पूछा जाता है, आइडियल वेट कितना होना चाहिए, तो 500 टू 750 ग्राम आपका एक सिंगल शॉर्ट सकर का वेट होना चाहिए। ठीक है, अब इसी में अगर अपन नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आगे बढ़ें और नेक्स्ट अपन डिस्कस करें, तो वो है आपका जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस जो की जाती हैं। इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या हुआ, अब इसके अंदर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस, तो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, उनमें सबसे फर्स्ट जो आपको ध्यान में रखनी है, सबसे फर्स्ट को अपन कह रहे हैं प्रॉपिंग, सबसे फर्स्ट है आपकी प्रॉपिंग। तो प्रोपिंग को आपको कैसे समझना है, प्रोपिंग में आपको ये ध्यान रखना है, ये जैसे आपका कोई भी प्लांट है, ये आपका ये यहाँ पे मैं प्लांट बना रहा हूँ, तो ये यहाँ पे प्लांट है, इस प्लांट में जैसे ही आपका बंच निकलेगा, जैसे ही आपका यहाँ से बंच निकलेगा, बंच का मतलब जो इन्फ्लोरसेंस निकलेगा उसमें जो फ्रूटिंग होगी, और इस फ्रूटिंग का लोड कई बार क्या है प्लांट जो है बियर नहीं कर सकता, इसलिए ये झुक जाता है ना, टिल्ट हो जाता है। तो फिर इसको क्या है अपन सपोर्ट देते हैं, मतलब है ना, किसी आयरन के पाइप से या फिर जो है अपन किसी लकड़ी की मदद से जो अपन क्या करते हैं उसको सपोर्ट देते हैं, तो इस सपोर्ट देने को ही अपन क्या कहते हैं प्रोपिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी कई बार डेफिनेशन टाइप में इसको लैंग्वेज में यूँ लिखेंगे, टू गिव सपोर्ट टू द सपोर्ट टू स्यूडो स्टेम, एट द टाइम ऑफ बंच इमर्जेंस, जब आपका बंच इमर्जेंस हो रहा है उसी टाइम पे आपको क्या करना है, इसको सपोर्ट देना है, उसे अपन कहेंगे प्रॉपिंग। ये आपके क्लियर हो गया। अब सेकंड जो है इसमें देखते हैं, जिसे अपन कहते हैं डी सकरिंग, डी सकरिंग का अर्थ क्या होता है इसको समझें, जैसे आपका कोई भी प्लांट है,
इसको बनाना का प्लांट है। इस पे क्या होता है कि बहुत सारे सकर्स नीचे से निकलते हैं। अभी मैंने आपको कहा था बहुत सारे दुनिया भर के सकर्स निकलते हैं, 10, 20, 30 है ना, संख्या में कितने भी हो सकते हैं। तो इन एक्स्ट्रा जो सकर्स हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा जितने भी सकर्स हैं एक्स्ट्रा, या फिर जो आपके अनडिजायर्ड जिनकी अपने को आवश्यकता ही नहीं है, उन सबको अपने को क्या है यहाँ पे रिमूव करना है। तो उस रिमूव करने को ही अपन डीसकरिंग कहते हैं। यानी कि एक प्लांट के यहाँ बहुत सारे सकर्स हैं, मान लो कि यहाँ पे 10 सकर्स हैं। अब वो सकर्स अपने किसी काम के नहीं है, है ना, सकर्स अपने काम के नहीं है, तो अपन क्या करेंगे उन सकर्स को यहाँ से हटा देंगे, केवल एक या दो सकर्स रखेंगे। एक या दो सकर्स किस लिए रखेंगे, नेक्स्ट क्रॉप अगर अपने को यहीं पे रिटर्निंग क्रॉप लेनी है तो एक या दो सकर्स यहाँ पे रखो, बाकी सारे सकर्स को हटा दो। कैसे हटा दो, या फिर 2,4-D का स्प्रे करके हटाओ, या फिर यहाँ केरोसिन वगैरह पेट्रोल का यूज़ करके जो है, या फिर इसको मैनुअली हाथ से भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो यूँ लिखेंगे अपन रिमूवल ऑफ सरप्लस एंड अनडिजायर्ड या फिर अनवांटेड सकर्स फ्रॉम बनाना प्लांट। ठीक है, तो यहां पे क्या देगा, जो अनडिजायर्ड जो यहां पे सकर्स थे, जो अनवांटेड सकर्स थे, जो सरप्लस या फिर एक्स्ट्रा सकर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली अमर सिंह, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि सारी पूरी हॉर्टिकल्चर में ऐसे ही याद करवा दूंगा। बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप पढ़ाते हो तो पूरा का पूरा याद हो जाता है। एब्सोल्युटली आपको याद हो जाएगा, अपना काम ही यही है, मेरा काम है आपको याद करवाना, ठीक है। मेरा यही काम है, मेन काम मेरा क्या है कि मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊँ कि आपको यहीं पर क्लास में याद हो जाए, ठीक है। तो ये अपन डी सकरिंग में क्या करते हैं, अपन सकर्स को जो एक्स्ट्रा सकर्स है आपके, तो 2,4-D यूज करेंगे, केरोसिन पेट्रोल या फिर मैनुअली हाथ से भी अपन हटा सकते हैं। तो प्रोपिंग हो गया, जिसको सपोर्ट देना अपन कह रहे थे, डी सकरिंग हो गया। नेक्स्ट अगर अपन इसमें देखें, नेक्स्ट देखें तो उसे अपन कहते हैं डी नेवलिंग। अब डी नेवलिंग क्या होता है इसको आपको समझना है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएगी। जैसे आपका ये प्लांट है, इस प्लांट में ये आपका इन्फ्लोरसेंस है ना, यहाँ पे इसके जो फ्रूटिंग हो रही है। अब इसमें जो ये आगे आगे वाला जो पार्ट होता है, इसका जो टिप पार्ट होता है, यहाँ पे जनरली मेल फ्लावर आते हैं। जनरली जो बनाना का जो इन्फ्लोरसेंस होता है, ये बंच होता है, इसका जो आगे आगे वाला जो टर्मिनल पोर्शन है, जो टिप पोर्शन है, यहाँ पर मेल फ्लावर आते हैं। तो जैसे ही आपका पोलिनेशन हो जाए, जैसे ही फीमेल फेज कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद में जो है इसको आगे से अपन कट कर देते हैं। इसको आगे से कट करेंगे तो उससे क्या होगा, ये जो अपने फ्रूट है ना, ये अच्छे से बनते हैं, है ना। फ्रूट का वेट भी अच्छा होता है, फ्रूट का कलर भी अच्छे से डेवलपमेंट होता है, फ्रूट साइज में भी जो है बड़े हो जाते हैं। तो इसको अपन काटते हैं, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, रिमूवल ऑफ मेल बड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेस। ठीक है, तो यानी कि मेल बर्ड को आपको रिमूव करना है जब आपका पोलिनेशन इसके अंदर हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें ध्यान रखना, ये इसे अपन डी नेवलिंग बोलेंगे। ये अभी जो ACF का जो एग्जाम होता है, ये फॉरेस्ट का बहुत अच्छा एग्जाम होता है, उसमें भी डी नेवलिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसी में जो है नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट अपन बोलते हैं, नेक्स्ट आपका है नंबर फोर्थ, जिसे अपन कहते हैं मेटोकिंग का मतलब क्या है, इसको भी आपको बढ़िया से समझना चाहिए। मेटोकिंग का, जैसे ये आपका प्लांट है, इस प्लांट में फ्रूट लग रहे हैं, और उन फ्रूट में से अब अपन ने इस फ्रूट को अपन ने हार्वेस्ट कर लिया, इस फ्रूट को अपन ने क्या कर लिया, इस पूरे पूरे बंच को अपन ने हार्वेस्टिंग कर ली। अब ये प्लांट किसी काम का नहीं है। अब यहाँ से नीचे से जो सकर्स निकल रहे हैं, अपने को उनको प्लांट बनाना है। नीचे जो एक दो सकर्स अपन ने छोड़े थे थोड़ी देर पहले जब डी सकरिंग की थी, उसमें जो है उसमें उसको अपने को क्या बड़ा करना है नेक्स्ट क्रॉप के लिए। तो ऐसे जैसे ही आप हार्वेस्टिंग कर लो, उसके बाद में इसको अपन क्या है, इस स्यूडो स्टेम को कट कर देते हैं, ठीक है। लगभग अपन 0.6 मीटर की हाइट से, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये परीक्षा में पूछी नहीं जाएगी, लगभग ग्राउंड लेवल से 0.6 मीटर की हाइट से इस स्यूडो स्टेम को अपन कट कर देते हैं, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी को अपन कहते हैं मेटोकिंग। ठीक है, तो अब मेटोकिंग के बाद में भी और सारी क्रियाएं हैं, वो उनमें जो है आगे अपन देखते हैं। तो अब इसकी अगर डेफिनेशन कई बार यूँ पूछ ले कि ये क्या है, तो इसको लैंग्वेज में थोड़ा सेट कर लेते हैं। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ रिमूवल ऑफ, या फिर इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग स्यूडो स्टेम आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स। मैंने हाइट आपको क्या बताई, हाइट आपकी 0.6 मीटर है। ठीक है, इस हाइट से इसको रिमूव करना है। तो ये आपको और याद हो गया मेटोकिंग। तो मेटोकिंग अपन ने किसको बोला, मेटोकिंग इट इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग स्यूडो स्टेम आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट को हार्वेस्ट कर दिया, इससे होता क्या है, इसको हार्वेस्ट करने के बाद में भी इस प्लांट के अंदर जो है फूड स्टफ रहता है, इसके अंदर जो फूड रहता है वो फूड क्या है, ये जो न्यू इमर्जिंग जो सकर्स हैं इनको मिलता रहता है ना। तो कुछ दिन बाद में ये ऑटोमेटिकली सूख जाता है, तब तक जो है ये प्लांट अच्छे से बड़ा हो जाता है जो इसका फॉलोवर्स है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी नेसेसरी प्रैक्टिस हैं जो इसके अंदर की जाती है, तो नेक्स्ट देखो आपकी अर्थिंग अप। अर्थिंग अप का मतलब हिंदी में यूँ कहते हैं मिट्टी चढ़ाना। मिट्टी कैसे चढ़ाना, जैसे ये आपका प्लांट है, तो प्लांट कई बार क्या होता है, प्लांट के यहाँ पे अपने को मिट्टी चढ़ानी होती है ना, यहाँ पे अपने को सोइल को कवर करना होता है, सोइल को अपने को पिल करना होता है ना। तो इसको अपन ताकि जब स्ट्रॉन्ग विंड्स वगैरह आती है तो ये प्लांट क्या नहीं तो क्या ड्रॉप हो जाता है नीचे, टॉपलिंग डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये मैंने आपको जो हाइट लिखा है ये हाइट फिक्स नहीं है, मतलब 0.6 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक कई बार ये एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता, कई बुक्स के अंदर दे रखा है, तो ये फिक्स नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें अपन यूँ लिख सकते हैं, पिलिंग सॉइल अप अराउंड द बेस ऑफ द प्लांट। यानी कि मिट्टी का ढेर लगाना है आपको, मिट्टी चढ़ाना प्लांट का जो स्टेम वाला पोर्शन है अराउंड द बेस ऑफ द प्लांट। आपको क्या पिलिंग अप का मतलब क्या होता है, पिलिंग द सॉइल अप, पिलिंग अप का मतलब मिट्टी चढ़ाना शेर कर। ठीक है, तो पिलिंग सॉइल अप अराउंड द बेस ऑफ द प्लांट, ये भी आपको याद हो गया अर्थिंग अप। इसके अलावा नेक्स्ट अगर अपन देखें तो उसे इंपॉर्टेंट है, रैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रैपिंग। रैपिंग में क्या होता है, रैपिंग का मतलब होता है कवरिंग ऑफ फ्रूट्स, रैप का मतलब होता है ढकना, फलों को ढकना है आप, है ना। तो कई बार ये होता है जैसे आपका ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर बहुत सारे फ्रूट हैं, इन फ्रूट को कई बार इंसेक्ट वगैरह से भी नुकसान होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स वगैरह आती हैं उनसे भी नुकसान होता है कई बार। तो इसको कई बार लीव्स के थ्रू या फिर किसी पॉलीथीन या फिर किसी भी क्लॉथ कपड़े वगैरह से जो है इसको ढक देते हैं, तो उस कवरिंग करने को अपन रैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो कवरिंग ऑफ फ्रूट्स को अपन कहेंगे रैपिंग। तो ये चीज़ जो है आप लोगों के डेफिनेटली समझ में आई होगी। तो अपन ने जो है 5-6 क्रियाएँ मुख्य रूप से पढ़ी हैं, उनमें भी सबसे पहले अपन ने देख लिया, सबसे फर्स्ट देखा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस के अंदर प्रॉपिंग और डिसकरिंग। प्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, टू गिव सपोर्ट टू स्यूडो स्टेम ऑफ द एट द टाइम ऑफ बंच इमरजेंस। बंच इमरजेंस के टाइम पर आपको स्यूडो स्टेम को सपोर्ट देना है। डिसकरिंग क्या होता है कि रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड या अनवांटेड या फिर सरप्लस सकर्स फ्रॉम बनाना प्लांट, उसको अपन डिसकरिंग बोल रहे थे। ठीक है, डीनेबलिंग का मतलब था रिमूवल ऑफ मेल बर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेज। फीमेल फेज कंप्लीट होने के बाद मेल बर्ड को अपन ने को रिमूव कर दिया। मेटोकिंग का मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग स्यूडो स्टेम आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट की हार्वेस्टिंग करने के बाद में इस स्यूडो स्टेम को हम हटा देते। ठीक है, एब्सोल्युटली हाँ। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम पे हमारा पूरा ध्यान है, हमारे हर साल बैच चलते हैं। ये आपको यूट्यूब पे आप अब हो सकता है अभी देख रहे हो, बाकी हमारे पास में जब से इंस्टीट्यूट बना है तब से ही जो है एग्रीकल्चर में इंग्लिश मीडियम के बैचेस चल रहे हैं। चाहे आप 11th 12th की बात करो, 11th में भी चलते हैं, 12th की क्लास भी हम करवाते हैं। इसके अलावा जेट, ICAR, BHU, PREPG वगैरह सारे के सारे इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज जो है यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आज से नहीं है मतलब कई टाइम से।
अब इसके अंदर इंप्रूव्ड वेराइटीज की बात करें, इंप्रूव्ड वेराइटीज, तो इंप्रूव्ड वेराइटीज के अंदर सबसे फर्स्ट जो वेराइटी आपको ध्यान रखनी है, जिसे अपन कहते हैं ड्वार्फ कैवेंडिश, ड्वार्फ कैवेंडिश वेराइटी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाने वाली वेराइटी, या फिर इसके क्लोन अपन ग्रो करते हैं तो यूं कह सकते हैं कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 58% प्रोडक्शन, यानी कि जो बनाना का टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 58% जो है प्रोडक्शन आपकी अकेली ड्वार्फ कैवेंडिश या फिर जो इसके क्लोन वगैरह है वो कर देते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रो की जाने वाली ये वेराइटी, ठीक है। इसके अलावा है आपकी ड्वार्फ मेजेस्टी और रोबुस्टा, और वेराइटी में देखें पुवन, इसके अलावा नेक्स्ट वेराइटी आपकी मंथन, पुवन के अलावा एक नए पुवन और है, नए पुवन डिप्लॉयड वेराइटी, एंड फिर देखें निंड्रन, कुनन, कारपुरावल्ली, इसके अलावा रसथली, बहुत सारी वैरायटीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा, वो इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, वैरायटीज की कोई कमी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा राजापुरी, और भी वैरायटी है, जैसे आपकी एक वैरायटी है जिसे अपन कहते हैं, एक वैरायटी है जिसे अपन कहेंगे जैसे हिल बनाना, और एक वैरायटी आपने पहले देखी थी जिसे अपन बोल रहे थे ग्रैंड नैने, है ना। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी किस्में हैं, जैसे आपकी एक विरूपक्षी करके वैरायटी और है। अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ड्वार्फ कैवेंडिश है, इसके अलावा नेंड्रन वैरायटी जो है ये आपकी चिप्स हेतु, फॉर मेकिंग चिप्स वेजिटेबल पर्पज, तो नेंड्रन वैरायटी किसके लिए ठीक है, वेजिटेबल बनाने के लिए, या फिर जो है वेजिटेबल के एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं, या फिर अपने चिप्स मेकिंग के लिए सबसे बेस्ट है। कोनन वेराइटी जो है बेबी फूड वगैरह बनाने के लिए बेस्ट है, फॉर मेकिंग बेबी फूड्स, या फिर स्वीट्स वगैरह जो मिठाइयाँ बनाते हैं, स्वीट्स वगैरह या फिर बेबी फूड के लिए ये फेमस है कोनन वेराइटी, ठीक है। चक्र के लिए बहुत सारी वेराइटीज़ है, लेकिन इतनी सारी वेराइटी को अपने याद करना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी नेंड्रन चिप्स और वेजिटेबल के पर्पज से यूज़ करते हैं, कुनन आपके बेबी फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं अपन, कारपुराज वल्ली जो वेराइटी है ये स्वीटेस्ट वेराइटी है, स्वीटेस्ट वेराइटी ऑफ बनाना, स्वीटेस्ट वेराइटी ऑफ बनाना, स्वीटेस्ट वेराइटी ऑफ बनाना, ठीक है। इसके अलावा ग्रैंड नैने आप लोगों ने देख ली, G9 ग्रैंड नैने जो आपकी टिश्यू कल्चर से डेवलप की गई वेराइटी है, तो ग्रैंड नैने आप लोगों को पता है, ग्रैंड नैने आपकी कैसे डेवलप की गई है, थ्रू टिश्यू कल्चर, इस प्रकार से, ठीक है। और इसके अलावा जाए आपको मंथन और ध्यान रखनी है, ये पुवन जो वेराइटी यहाँ पर देख रहे हो ये आपकी पनामा विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी, मैंने आपको एक डिजीज़ बताया था पनामा विल्ट, तो इसके अंदर नहीं होता, तो ये पनामा, आगे मैं वापस इसको रिपीट कराऊंगा जब मैं डिजीज़ पढ़ाऊंगा, तो पनामा विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है, कौन सी, पुवन जो वेराइटी, ये भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार से इनके जो आगे मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको ये चीज़ भी बताऊंगा कि ये जीनोमिक ग्रुप कौन कौन से में आती है, तो वो भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसको भी मैं क्लियर करवा दूंगा। तो यहाँ पर ड्वार्फ कैवेंडिश, ड्वार्फ मेजेस्टी, रोबस्टा, पुवन आपकी पनामा विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है, मंथन, ने पुवन, नेंडन आपकी चिप्स या फिर वेजिटेबल, एज वेजिटेबल इसको यूज़ करते हैं, और कुनन आपकी बेबी फूड स्वीट वगैरह के लिए ठीक है, कारपुरा वल्ली स्वीटेस्ट वेराइटी है, इसके अलावा रसथली, राजापुरी, हिल बनाना, कारपुरा वल्ली ये होगी, इसके अलावा एक वीरू पक्षी करके वेराइटी हो रहे, या फिर ग्रैंड नैने जो आपकी
ग्रेन नैनो वैरायटी आपकी टिश्यू कल्चर के थ्रू डेवलप की गई। तो आज अपन ने जो कुछ भी पढ़ा वो इस प्रकार है, बनाना को म्यूसा पेरेडिसिका कहते हैं, इसका जो उत्पत्ति हुई है, इसका जो ओरिजिन हुआ है, इन दो वैरायटी के क्रॉस का परिणाम है, म्यूसा एक्यूमिनाटा इनटू म्यूसा बल्बेसियाना, इन दोनों का क्रॉस है, ठीक है। और म्यूजेसी फैमिली होती है, ट्रिप्लॉइड होता है अपने वाला बनाना, 33 क्रोमोसोम नंबर है, और सीडलेसनेस में अगर आपको पार्थेनोकार्पी कौन से टाइप के इसके अंदर पाई जाती है तो वो आपकी वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी और किस किस में होती है, फिग के अंदर होती है, पाइनएप्पल के अंदर होती है, और एक जो नई एक स्पीसीज मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है जिसे अपन म्यूसा बेस जो कहते हैं, ये आपका फाइबर इल्ड के लिए ठीक है, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं। ओरिजिन कहाँ पे है, इंडोमलाया रीजन। फ्रूट टाइप बेरी होता है, और एडिबल पार्ट आपका मेसोकार्प प्लस इंडोकार्प इसका खाते हैं। एडम्स फिग इसको कह देते हैं, ट्री ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज, कल्प थ्रू या फिर हिस्टोरिक फ्रूट। इन्फ्लोरसेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेडिक्स कहते हैं, और ये इन्फ्लोरसेंस में कौन कौन से टाइप के फ्लावर होते हैं, तो गाइनोमोनोसियस टाइप के, यानी कि एक ही इन्फ्लोरसेंस में फीमेल प्लस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं। और किस किस में स्पेडिक्स होता है, तो एबीसीडीज करके मैंने ट्रिक आपको बताई, मैंगो के अंदर एंड्रोमोनोसियस टाइप का इन्फ्लोरसेंस होता है। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, मोनोकोट है, मोनोकार्पिक फ्रूट है, यानी लाइफ साइकिल में सिंगल टाइम इसके अंदर फ्रूटिंग होती है, फिर नहीं होती। जलगांव को अपन बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। जेनेटिक क्लासिफिकेशन या फिर नोमेनक्लेचर सिस्टम या फिर स्कोरिंग टेक्निक ऑफ बनाना इज गिवन बाय सिमोंड एंड शेफर्ड। स्टेम दो तरह के हैं, जो हवा के अंदर ऊपर वाला जो स्टेम होता है जिसको एरियल स्टेम कहते हैं, इसको फाल्स स्टेम या फिर इसको स्यूडो स्टेम कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि लीव्स का मॉडिफिकेशन है। अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसको राइजोम कहते हैं, वही आपका ट्रू स्टेम होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसके लिए चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फिर इसके अंदर एसिडिक अगर सॉइल है आपकी तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, पनामा विल्ट जो डिजीज़ है ज़्यादातर हो जाता है। पोटेशियम इसेंशियल है फ्रूट फॉर्मेशन के लिए। नेशनल रिसर्च सेंटर आपका जो आपका तिरुचिरापल्ली जो आपका तमिलनाडु के अंदर वहाँ पे है, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट जो प्रोडक्शन होता है वो आपका इंडिया के अंदर होता है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग फ्रूट इन इंडिया, ये मैंने आपको बता दिया। इंडिया के अंदर फ्रूट एरिया वाइज इस प्रकार है, मैंगो और प्रोडक्शन के मामले में बनाना आपका नंबर वन है, ठीक है। प्लांटिंग की भी अपन बात करें तो प्लांटिंग जब करते हैं इसकी 2x2 मीटर, जो मैंने आपको इसकी प्लांटिंग जो करते हैं अपन, तो प्लांटिंग अपन जनरली जून जुलाई में करते हैं, जून जुलाई में। अगर पानी की अच्छी व्यवस्था है तो फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं। डिस्टेंस रखते हैं अपन 2x2 मीटर, 2x2 मीटर जो है डिस्टेंस रखते हैं, रो इंटू प्लांट की जो डिस्टेंस, ठीक है। प्रोपगेशन कॉमर्शियल आपका शॉर्ट सकर के थ्रू होता है, एक सिंगल शॉर्ट सकर्स का 5-750 ग्राम जो है वेट होता है। एंड प्रैक्टिस मैंने प्रॉपिंग बता दी, इसको गिविंग सपोर्ट, डिसकरिंग रिमूवल ऑफ अनवांटेड सकर्स, डीनेमलिंग रिमूवल ऑफ मेल बर्ड, और मेटोकिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्यूडोस्टेम, यू नो जो आप 0.6 मीटर की हाइट से अपने को रिमूव कर देते। अर्थिंग अप का मतलब कुछ नहीं होता, आपको मिट्टी चढ़ाना होता है, ठीक है। और रैपिंग का मतलब कवरिंग ऑफ फ्रूट्स। तो इस टाइप से वैरायटीज़ वगैरह ये आज अपन ने कोशिश की है, बनाना की बहुत सारी बात है। और बनाना की जो है आज वाला जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है आपको कहीं भी ये और नहीं मिलेगा, है ना। तो ध्यान रख लेना, इन चीज़ों को कल पढ़ के आना है, और इससे जो है फर्दर आगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम की जो है मेरी क्लास सुबह गुड मॉर्निंग में होंगी।